तो हाय गाइस, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी पॉलिसी में, अगर आप चाहोगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, डिनाई, अलाउ, ड्रॉप, रीसेट। तो इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए वायरशार्क कैप्चर लेंगे, ठीक है। तो डिनाई ऑप्शन जो होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो मैं पॉलिसीज दिखा देता हूँ, पॉलिसी क्या बनाई है मैंने। इस पॉलिसी को इग्नोर करो, ये जस्ट टैप पॉलिसी बनाई थी, इसको डिसेबल भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट पॉलिसी जो है डीएनएस को अलाउ कर रही है, ठीक है, इसके थ्रू हमारी डीएनएस की ट्रैफिक जाएगी। दूसरी पॉलिसी में मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ गूगल की एप्लीकेशन को ब्लॉक किया हुआ, डिनाई किया हुआ एक्शन, ठीक है। और तीसरी, ऑल इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है, इंटरनेट अलाउ। लास्ट में एनी अलाउ होती है, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिकली हम एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि डिनाई एक्शन जो है वो कैसे लेगी कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसको देखते हैं, पर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जीमेल ओपन करते हैं, जीमेल बेस। तो डिनाई एक्शन जो होता है वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने एप्लीकेशन गूगल सेलेक्ट करी है अपनी पॉलिसी में, तो डिनाई एक्शन है ड्रॉप रीसेट, ठीक है। तो ये ड्रॉप करेगी पैकेट को एंड रीसेट करेगी। तो अब इसको अप्लाई अप्लाई हो गया, कर देते हैं, एक बार कमिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ये मैंने वैसे अभी कैप्चर लिया था और इसमें इसने रीसेट दिखाया, इसको दोबारा कैप्चर ले लेते हैं। बट अगर इनकेस नहीं दिखाता है, वीएमवेयर है, कई बार इशू भी आ जाता है, तो आप इसी को देख लेना कि इसमें पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पहले सिन गया, फिर सिनैक आया, फिर एक, मीन्स पहले थ्री वे हैंडशेक हुई, मतलब पैकेट जो है लेयर थ्री लेयर फोर के बेसिस पे आपका चेक हुआ, ठीक है। उसके लिए पॉलिसी मिली, बिकॉज अभी उसने एप्लीकेशन को तो आइडेंटिफाई किया नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन गूगल है, गूगल को आइडेंटिफाई करेगा वो पैकेट फ्लो में जब ऐप आईडी आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो क्लाइंट हेलो पैकेट सेंड किया उसने, फिर कुछ रिट्रांसमिट किए पैकेट, क्लाइंट हेलो के बाद में उसको सर्वर हेलो नहीं आया, उसने काफी सारे रीसेट रिट्रांसमिट किए, बिकॉज अगर कुछ टाइम के बाद पैकेट का रिप्लाई नहीं आता तो टीसीपी में अंदर प्रॉपर्टीज होती है, दोबारा रिट्रांसमिट करता पैकेट को। रिट्रांसमिट करने के बाद उसको रिप्लाई नहीं आया तो उसने कनेक्शन को रीसेट कर दिया, ठीक है। और जब हम लॉग्स देखेंगे, ट्रैफिक लॉग्स, तो इसमें ये डीएनएस की एप्लीकेशन के लिए जा रहा था, ठीक है, अलाउ डीएनएस रूल है, और गूगल के पास जाके ब्लॉक ऑल, और इसमें रीसेट बोथ, मतलब क्लाइंट एंड सर्वर दोनों रीसेट कर दिए इसने, ठीक है। तो ये तो पुराने लॉग्स थे, हम एक बार दोबारा करके देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू विदाउट सेविंग। अब गूगल को ओपन करते हैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब गूगल को रिफ्रेश मारता हूँ मैं, तो ये रिट्रांसमिट आ गया आपके पास। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब इसको चेक करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक किया मैंने, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम और एस्केप, ठीक है। तो ये थ्री वे हैंडशेक गए, ठीक है, सिन गया, सिनैक गया, एक गया, उसके बाद क्लाइंट हेलो, क्लाइंट हेलो गया, उसके बाद ये सारे पैकेट रिट्रांसमिट हुए, इसको रिप्लाई नहीं आया तो इसने पैकेट को रिसेट मार दिया। अब हम लॉग्स भी देखते हैं जाके, रिफ्रेश मारते हैं, नए लॉग्स आए होंगे, ठीक है। तो ये डीएनएस की ट्रैफिक आई, ठीक है, और ये गूगल गूगल बेस इसने आइडेंटिफाई करा, पहला पैकेट हमेशा डीएनएस का जाएगा, ठीक है, उसके बाद सिन सिनैक थ्री वे हैंडशेक होगा, ओके। उसके बाद उसने एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किया एंड उसने देखा ब्लॉक ऑल, इसकी जगह पे रूल का नाम चेंज करके ब्लॉक गूगल लिख सकते हैं, तो ब्लॉक ऑल रूल के साथ वो हिट किया और उसका एक्शन रीसेट बोथ साइड, ठीक है, सेशन एंड रीजन पॉलिसी डिनाई, करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट दूसरा सेलेक्ट करते हैं हम। अब जो ड्रॉप ऑप्शन है एज पर पैलो अल्टो, ड्रॉप ऑप्शन क्या करेगा, अलाउ तो आपको पता ही, अलाउ तो अलाउ करेगा, ठीक है। ड्रॉप ऑप्शन क्या है, साइलेंटली ड्रॉप कर देता है पैकेट को और ये कोई रीसेट वगैरह नहीं सेंड करता, ठीक है, कोई सिग्नल सेंड नहीं करेगा, जस्ट ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा।
तो अब चेक करते हैं इसको, कंप्लीट हो जाए ये। इसको दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, और इसको हटा देते हैं स्ट्रीम को। ओके डन, ठीक है, और इसको रिफ्रेश अगेन। तो वी कैन सी इसमें भी हमें रिसेट मिला, जबकि इसमें मिलना नहीं चाहिए था, इट शुड ड्रॉप द पैकेट साइलेंटली, बट वी हैव रिसीव्ड रीसेट पी सिग्नल। तो एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि फायरवॉल में क्या दिख रहा है। लेट्स गो टू द फायरवॉल, ड्रॉप एक्शन ड्रॉप। ओके, तो अब यहाँ पे फायरवॉल के जो रूल्स हैं, इसमें आपको एक्शन ड्रॉप दिख रहा है, इसमें हमें कोई रीसेट सिग्नल नहीं आ रहा, ठीक है, ये जस्ट ड्रॉप कर दिया इसने पैकेट को, ठीक है। बट हम क्लाइंट की मशीन पे पता हमें लग सकता है कि कौन ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे हमें पता लगा कि जो ड्रॉप सिग्नल है वो हमें पब्लिक आईपी के थ्रू, एक बार इसको फॉलो करते हैं प्रॉपरली, देखते हैं कौन रीसेट सेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिन गया, सिनैक गया, एग गया, उसमें क्लाइंट हेलो आया। तो ये बहुत जरूरी याद रखना है कि थ्री वे हैंडशेक होगा, उसके बाद ही जो है एप्लीकेशन को वो आइडेंटिफाई करेगा और देखेगा क्या डिफाइन है, ठीक है। तो अभी रीसेट यहाँ पे पब्लिक आईपी रीसेट सेंड कर रहा है, अगर आप पहले वाली देखोगे तो उसमें प्राइवेट आईपी ने ही रीसेट कर दिया था कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस लगा मुझे, ठीक है, रीसेट सिग्नल क्लाइंट की मशीन में अभी भी दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो किसी भी स्ट्रीम को आप पकड़ के फॉलो एज कर सकते हो। तो इधर से पब्लिक आईपी ही रीसेट सेंड कर रहा है, ठीक है, आफ्टर थ्री वे हैंडशेक, मैंने दो तीन बार करा था, ठीक है। तो आपकी जो पॉलिसी होगी, पॉलिसी के अंदर हमें इसमें रीसेट नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक ऑल ड्रॉप किया इसने, डीएनएस की ट्रैफिक को अलाउ किया, इसको ड्रॉप किया, ठीक है। इसमें ओपन करके देख लो, इसमें पॉलिसी डिनाय और इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, ठीक है। द रीजन जो है वो यही है कि पॉलिसी ने डिनाय किया, जबकि पहले आपने देखा था यहाँ पे एक्शन जो था रिसेट आ रहा था। ओके, अब अगले ऑप्शन के पास जाते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, मैं भी ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आज जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन आते हैं तो मैंने सोचा कि इसको रिपोर्ट करके भी दिखाया जाए, ठीक है। तो रीसेट क्लाइंट, रीसेट क्लाइंट में अब ये ऑप्शन भी है एक आईसीएमपी का, इसको आईसीएमपी पैकेट सेंड करने होते हैं सोर्स को कि वो मतलब रीसेट कर रहा है पैकेट, रीच नहीं कर पा रहा है, एनीहाउ देयर इज नो रूल, रूल ब्लॉक कर रहा है, तो उसको एक रीसेट का आईसीएमपी का पैकेट भी दिखना चाहिए अब हमें। अब देखते हैं दिखता नहीं दिखता है, मतलब ये थ्योरी यही कहती है, ठीक है। तो ड्रॉप में इसने साइलेंटली ड्रॉप कर दिया, मतलब फायरवॉल के ऊपर हमें कोई सिग्नल नहीं दिखा भी रीसेट किधर से हुआ, ठीक है। बट क्लाइंट मशीन पे हमें फिर भी रीसेट दिख जाएगा अगर हम पैकेट कैप्चर करेंगे, ठीक है, दोनों केस में दिख जाएगा। जस्ट डिनाय का केस जो है, डिनाय में वो देखता है कि एप्लीकेशन के पास क्या है, क्या डिफाइंड है, तो उस हिसाब से वो ड्रॉप करेगा, उस पर भी हमें रीसेट दिख गया था, ठीक है। तो अब हमने रीसेट एट क्लाइंट मशीन करा है, इसको दोबारा से स्टॉप करके दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। अब कैप्चर कुछ गलत वलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कैप्चर मतलब कि जो थ्योरी कहती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा अगर, ठीक है। तो इसमें भी अब इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें भी रीसेट हमें दिख रहा है, फॉलो करते हैं स्ट्रीम को, ठीक है। तो इसमें भी हमें रीसेट दिख रहा है कि पब्लिक जो है वो रीसेट सेंड कर रहा है, ओके। थ्री वे हैंडशेक हुआ, क्लाइंट सिंक सिनैक एग गया, क्लाइंट हेलो गया, तो हमें कोई, हमें जो रिप्लाई मिला इधर से वो रीसेट का रिप्लाई मिला, रीसेट हुआ पब्लिक आईपी के थ्रू, ठीक है। फायरवॉल इंजीनियर वैसे ये क्लाइंट मशीन पे कभी भी कैप्चर चला के नहीं देखेगा, ठीक है। मैं क्लाइंट मशीन पे कैप्चर इसलिए चला रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए क्लाइंट मशीन में क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या उसमें फ्लैग्स आ रहे हैं। जो फायरवॉल इंजीनियर होगा वो मॉनिटर में जाएगा, ट्रैफिक में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे चेक करेगा क्या हुआ। तो यहाँ पे रीसेट क्लाइंट का आपको
एक्शन दिखाई दे रहा है रिसेट क्लाइंट, तो उसने क्लाइंट को रिसेट कर दिया, ठीक है, रिसेट सिग्नल सेंड किया उसने क्लाइंट को, ठीक है, तो ये पॉलिसी डिनाय को हिट किया इसने, तो जो डिनाय का ऑप्शन था उसमें रिसेट दोनों को कर दिया था उसने, क्लाइंट एंड सर्वर को। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इसमें रिसेट किस को करेगा, सोर्स को करेगा कि सर्वर को करेगा, क्लाइंट को करेगा, तो दोनों को कर देगा। किस केस में? डिनाय के केस में। ये जो फर्स्ट केस था डिनाय के केस में दोनों को रिसेट कर देगा, सो सर्वर एंड क्लाइंट। ड्रॉप के केस में वो साइलेंटली ड्रॉप कर देगा, ट्रैफिक जो आप फायरवॉल पर चेक करोगे तो उसमें वो कोई नहीं दिखाएगा, रिसेट विसेट अलाउ में अलाउ कर देगा। रिसेट क्लाइंट में वो लॉग में आपको रिसेट क्लाइंट दिखाएगा, और रिसेट सर्वर में रिसेट सर्वर का लॉग दिखाएगा, वो भी देख लेते हैं। और ये रिसेट बोथ आई थिंक ये डिनाय की तरह ही है कि दोनों को रिसेट दिखाएगा, ठीक है। क्लाइंट मशीन में भी हमने देख लिया कि क्लाइंट मशीन में हमें इस डिनाय में भी रिसेट आ रहा है, ड्रॉप में भी रिसेट आ रहा है, और इसमें भी रिसेट आ रहा है। सर्वर भी करके देख लेते हैं। अरे हाँ, आईसीएमपी पैकेट दिखा मुझे, ये तो दिखा ही नहीं। तो आईसीएमपी पैकेट कोई नहीं दिखा, आईसीएमपी भी दिखना चाहिए था, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखा तो क्या कर सकते हैं। रिसेट सर्वर, रिसेट सर्वर, तो ये पॉलिसी पुश हो जाएगी अभी। ओके, अब इसको भी कंटिन्यू विदाउट सेविंग स्टार्ट हो गया आई थिंक, कुछ आ नहीं रहा। अच्छा ओके, थोड़ा स्लो है। ओके, तो यहाँ पे हमें रिसेट दिख चुके हैं, ठीक है, थोड़ा वेट करें कि आईसीएमपी क्लिक किया हुआ है शायद, देख लेता हूँ मैं एक बार। तो आईसीएमपी का टाइमर भी होता है, आईसीएमपी सेंड अनरीचेबल सेंड करना चाहिए इसको, ठीक है। इसमें सेशन में जाओगे आप अगर, तो यहाँ पे टाइमर्स हैं, ठीक है, तो आईसीएमपी का टाइमर भी है यहाँ पे कहीं पे, ये है मेरे 1 सेकंड किया हुआ है, 1 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए था, अब आ नहीं रहा, तो वीएम का इशू हो सकता है कुछ, क्योंकि मैंने कैप्चर किए थे पैकेट्स, तो मेरे को दिखा था आईसीएमपी का पैकेट जो मैंने पहले कैप्चर किए थे, ठीक है, तो दिस माइट बी इशू ऑफ आवर आईसीएमपी। देखो फेसबुक अपनी प्रॉपर चल रही है, फेसबुक ब्लॉक नहीं करी हमने, ठीक है, तो इसको कैप्चर लगा लेते हैं हम, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। ओके, तो ये क्या था, सर्वर रीसेट भेज रहा है यहाँ पे, तो प्रॉपर रीसेट सर्वर से दिख रहा है, वैसे हमें सब में क्लाइंट मशीन में तो हमें सब में इधर से दिखा था, शायद एक में नहीं दिखा जो ड्रॉप का था, ठीक है, तो इसमें प्रॉपरली वही दिखा रहा है फायरवॉल पे जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। अलाउ डीएनएस, अलाउ डीएनएस, अच्छा दोबारा चलानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मैंने बीच में फेसबुक चला दी थी तो इंटरनेट यूजर अलाउ में चला गया था शायद, ठीक है, तो एक काम करता हूँ द्वारा ही चला लेते हैं, गूगल को ट्रैफिक द्वारा दिख जाएगी। हाँ, तो ये गूगल की एप्लीकेशन जो है, ठीक है, रीसेट सर्वर ब्लॉक ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे रीसेट सर्वर लॉक दिखा हमें, हमने यही सिलेक्ट किया था उसमें, रीसेट सर्वर ब्लॉक ऑल वाली में रीसेट सर्वर। अब एक लास्ट है रीसेट बोथ, ये भी देख लेते हैं इसका लॉक, इसको स्टॉप करके,
दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक पॉलिसी पुश हो चुकी होगी, हाँ हो गई है। इनिशिएट द ट्रैफिक, ओके। तो यहाँ पे तो हमें फिर अगेन रीसेट, सर्वर से रीसेट आ रहा है, ओके। मॉनिटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे रीसेट बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट, दोनों को रीसेट कर रहा है वो, ब्लॉक ऑल में जाके आप देखोगे तो रीसेट बोथ कर रहा है उसने, पॉलिसी डिनाई, ओके। तो ये था मतलब इसका पॉलिसीज में। दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ इसको, रीसेट बोथ सर्वर एंड क्लाइंट में, वो दोनों को रीसेट का सिग्नल सेंड कर देगा, क्लाइंट को भी सेंड कर देगा और सर्वर को भी सेंड कर देगा, ठीक है। गूगल को एक्सेस कर रहा है, अगर दोनों एंड से कनेक्शन को टर्मिनेट करेगा, कनेक्शन इसलिए टर्मिनेट करेगा क्योंकि कनेक्शन बन चुका होगा, थ्री वे हैंडशेक हो चुका है, क्लाइंट हेलो जा चुकी है, जो सर्वर हेलो का वेट कर रहा है, बट हमारा सर्वर क्या, हमारा फायरवॉल क्या करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा नहीं कनेक्शन को, वो रिसेट कर देगा दोनों की तरफ से। रिसेट सर्वर सिर्फ सर्वर की तरफ से करेगा, क्लाइंट सिर्फ क्लाइंट की तरफ से कर देगा, ठीक है। बाकी सर्वर की तरफ से जो आया होगा वो टाइम आउट के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ड्रॉप में वो साइलेंटली ड्रॉप करता है, कहीं पे भी रीसेट सिग्नल सेंड नहीं करेगा, अलाउ में अलाउ कर देता है, ठीक है। और डिनाई में वो जो एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन होता है, जैसे यहाँ पे शायद दिख जाए, एप्लीकेशन में जो भी डिफाइन होगा वो उस हिसाब से फॉलो करता है, ठीक है। वीडियो को बैक करके देख लेना। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि पीसी में क्या आउटपुट दिखती है, ड्रॉप को छोड़ के बाकी सारी जो आउटपुट थी, बाकी सारे जो रीसेट थे वो हमें पब्लिक आईपी से आए, ठीक है। ड्रॉप के केस में हमें प्राइवेट आईपी से रीसेट आया, ठीक है। तो एक बार दोबारा ड्रॉप का केस लगा के देखता हूं मैं, सॉरी ड्रॉप नहीं, डिनाई, एक बार लास्ट कंफर्म और कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा कंपेयर करने में इजीनेस रहेगी। आईसीएमपी पैकेट नहीं दिखा, आईसीएमपी दिखना चाहिए और एज पर पैलो अल्टो थ्योरी आईसीएमपी सोर्स को जाता है। इसमें लेट्स सी, ये देखो, सेंड एन आईसीएमपी अनरीचेबल रिस्पांस टू द क्लाइंट, तो क्लाइंट को ये आईसीएमपी अनरीचेबल का रिस्पांस सेंड करता है, ठीक है। तो इसने करा नहीं, ऐसे करना चाहिए था। जब भी ड्रॉप का एक्शन है, ड्रॉप में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, ओके। सो एक बार दोबारा से ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं, ओके। तो ये आ गया हमारे पास रीसेट, तो ये रीसेट सर्वर मतलब क्लाइंट खुद ही रीसेट कर रहा है कनेक्शन को, क्योंकि इसको रिस्पांस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये था, बट पैलो अल्टो में सारा सही दिख रहा है, ठीक है। मॉनिटर में आप जाओगे तो उस हिसाब से देखेगा। तो अगर पैकेट कैप्चर में पैलो अल्टो के ऊपर पैकेट कैप्चर करता हूँ तो जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वही दिखेगा रीसेट बोथ, जैसे कि ये दोनों को रीसेट कर देगा। तो यहाँ पे अगर मॉनिटर में जाके मैं पैकेट को कैप्चर करता हूँ तो प्रॉपर दिखेगा वो, मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ, ठीक है। Okay guys, I hope you like the video. Please share it, like it and comment.